प्रियंका चोपड़ा सलमान खान की फिल्म भारत का हिस्सा नहीं है। इस फिल्म में अब उनकी जगह कटरीना कैफ को दे दी गई है। लेकिन पिछले दिनों प्रियंका के फिल्म छोड़ने के बाद कई तरह के सवाल उठे। फिल्म से जुड़े कई लोगों ने इसे प्रियंका का अनप्रोफेशनल रवैया बताया। वहीं फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करते हुए प्रियंका के फिल्म छोड़ने की जानकारी दी। इस घोषणा के साथ अली अब्बास जफर ने ये इशारा किया कि प्रियंका ने फिल्म पर्सनल कारणों के चलते छोड़ी है। इन सारे कयासों के बीच ये बात भी सामने आई कि सलमान खान अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से बेहद नाराज हैं। इस बारे में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। एक फैशन शो के दौरान मधु चोपड़ा से जब ये सवाल किया गया कि क्या सलमान प्रियंका से नाराज हैं, तो उनका कहना था अब ये सवाल सलमान से करें तो अच्छा होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, प्रियंका फिल्म भारत का पार्ट अब नहीं है। मधु चोपड़ा से जब प्रियंका के बीच में फिल्म छोड़ने के अनप्रोफेशनल रवैये पर सवाल किया तो उनका कहना था ये सब मीडिया की बातें फैलाई हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों खबर थी कि सलमान ने एक इवेंट में प्रियंका की मां को पूरी तरह इग्नोर किया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि मधु चोपड़ा 9:30 बजे इवेंट में पहुंची और मनीष को शुभकामनाएं देने बैक स्टेज गई। यहीं पर सलमान और कटरीना वॉक की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही सलमान ने प्रियंका की मां को आते देखा वो पलट गए और कटरीना से बातों में लग गए। इतना ही नहीं, कटरीना ने भी मधु चोपड़ा को नजरअंदाज कर दिया। प्रियंका के बैकआउट पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने अपने एक बयान में कहा उसकी जगह कोई भी आ जाएगा। फिलहाल भारत में कटरीना की एंट्री हो गई है। पहली बार सलमान खान की फिल्म में दिशा पटानी भी नजर आने वाली है।